हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और एंटरटेनमेंट की गॉसिप लेकर हाजिर हूं। अच्छा, बॉलीवुड में क्या हो रहा है इसके लिए तो मैं आपको बताते ही रहती हूं, लेकिन बॉलीवुड जहां पर अभी चीज़ें जो हैं काफ़ी स्मूथली चल रही थी, लेकिन मूवी एकाएक अब आने जा रही है। लॉकडाउन खुल चुका है, थिएटर्स ओपन होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और इसी के लिए अब जो है मूवी की कतारें जो है वो अब सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे मूवी रिलीज़ होती है तो क्रिटिक्स भी हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, बाकी फिल्म स्टार भी एक्टिव हो जाते हैं और एक दूसरे की मूवी को लेकर अपने रिव्यूज भी देते रहते हैं। अब हाल ही में जो फिल्म गहराइयां आई है अमेजॉन प्राइम पर, उसको लेकर भी सेलेब्स के और लोगों के अलग अलग टिप्पणियां हैं। इसी पर कंगना रनावत, आप तो जानते ही होंगे, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट्रेस जो बेबाकी से अपने अंदाज से राय देती है, उन्हीं ने एक पोस्ट किया है और ये पोस्ट दीपिका पादुकोण के लिए, जिसमें उन्होंने उनका नाम भी मैंशन किया है और साथ ही गहराइयां मूवी का नाम भी मैंशन किया है। जी हाँ, जब से फिल्म गहराइयां आई है तो ये कॉन्ट्रोवर्सी में ही ये फिल्म घिरी हुई है, चाहे फिल्म रिलीज होने के पहले की बात करें या फिल्म रिलीज होने के बाद की बात करें। फिल्म रिलीज होने से पहले जो है इंटीमेसी को लेकर काफी बात की जा रही थी, जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीपिका पादुकोण के बीच में देखी जा रही है, वो केमिस्ट्री कुछ लोगों को पसंद आई तो कुछ लोगों को नहीं आई, और फिल्म रिलीज होने के बाद कुछ लोगों को तो फिल्म ही नहीं पसंद आई, और इसमें से एक है हमारी एक्ट्रेस कंगना रनौत। जी हाँ, कंगना रनौत ने हाल ही में एक पोस्ट डाला, उन्होंने कहा कि पता नहीं किस तरह से फिल्म लोग बनाने लगे हैं जहां पर एक्सपोज ज़्यादा किया जाता है, कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, मूवी बेतुका होती है और गहराइयां तो उसमें होती नहीं है। और साफ तौर पर उनके इस रिव्यू से पता चलता है कि उनको ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आपको बता दें कि ये कंगना रनौत को शायद ये फिल्म इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि हाल ही में ऑल्ट बाला की उनकी जो सीरीज आने वाली है ऑल्ट बालाजी पर अनलॉक, लॉकअप वो रिलीज़ होने वाली है, वो ऑल्ट बालाजी पर आ जाएगी। लेकिन उसी के प्रमोशन के दौरान कुछ पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने कंगना से दीपिका पादुकोण पर सवाल पूछ लिए थे, वहीं से दीपिका पादुकोण भड़की हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है दीपिका पादुकोण की फिल्म रिलीज़ करने के लिए, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए क्योंकि मैं इसमें कोई आंसर नहीं देना चाहती। तो तब से ही जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो उबाल चढ़ी हुई थी और अब इस रिव्यू से तो साफ पता चलता है कि दोनों के बीच में कुछ ठीक तो नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है। ऐसे ही कंट्रोवर्शियल खबरों के लिए, गॉसिप खबरों के लिए डू फॉलो अस ऑन शेयर चैट। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।